देवास में आपसी विवाद के चलते गुरुवार रात एक युवक पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया, जिसे गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे अमलतास अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। शुक्रवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। मामले को लेकर औद्योगिक थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को जांचा है। जानकारी के अनुसार लाखन पिता बाबूलाल परमार उम्र 25 वर्ष निवासी नागौर शिप्रा कुछ 4-5 लोगों के साथ गुरुवार रात करीब 11 बजे शिप्रा लाहौर पिपलिया ब्रिज के समीप बैठा हुआ था। बताया गया है कि उन लोगों का कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद लाखन को चाकू मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना परिजनों को मिली तो वे मौके पर पहुंचे, जहां उसे गंभीर अवस्था में उसे जिला अस्पताल लेकर आए। यहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे अमलदास अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन युवक ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक लाखन का शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मृतक निजी कंपनी में कार्य करता था। जिला अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक मृतक के शरीर पर चाकू के कई निशान थे। इस मामले में औद्योगिक थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस प्रकरण में पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस इस मामले में विभिन्न बिंदुओं पर जांच करने में जुट गई है। संभवतः जल्द ही इस मामले का खुलासा हो जाएगा। मृतक लाखन के भाई सुनील परमार निवासी सकलिया ने बताया कि रात 11 बजे लाखन का मेरे पास कॉल आया था। उसने बताया था कि शिप्रा पुल के पास हूँ, जो नया बाईपास निकला है वहाँ मेरा विवाद हो रहा है, तू जल्दी आ। लेकिन मैंने उसे बोला मैं इंदौर में हूँ। मैं रात को पहुँचा, तब तक उसे साथ वालों ने अस्पताल पहुँचा दिया था। यहाँ से अमलतास अस्पताल ले जाने के दौरान उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। रात को 11 बजे मेरे पास फोन आया था, लगन का ही लग गया, मेरा साथ झगड़ा झाटी चल गया। शिप्रा में बोले कि बाईपास पे हूँ, उज्जैन रोड से बाईपास निकला वहाँ पे। बोले कि रात को 11 बजे फोन आया मेरे पास, तो सर मैं इंदौर, मैंने बोला तो मैं इंदौर में हूँ। मैं बोले कि मेरा झगड़ा हो रहा है, तो हुआ मैं सर रात को जब तक उसको ज़्यादा कुछ लग गई थी, उसको यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करा, कोई उनके साथ वाले लेके आए और फिर हम आए, उनके परिवार वरिवार वाले आए, फिर हम डायरेक्ट वहाँ अमल यहाँ झेला नहीं, उसको अमलतास ले गए, फिर अमलतास गए हम बस। तो अमलतास में क्या उपचार नहीं हो पाया उसका? नहीं सर, वो वहीं जाते जाते बीच में एक्सपायर हो गया। अच्छा, आपका कौन लगता था लगन? सर मेरा मासी का लड़का है, मेरा भाई मतलब परिवार का ही। अच्छा, आप भी वहीं रहते हैं क्या? नहीं सर, वो नगोरा में रहता, मैं सुकलिया में। क्या नाम है आपका? सुनील परमार। आपको सूचना उसी ने दी थी? उसी ने सूचना दी। लखन परमार बाबूलाल उम्र की 25 वर्ष है, नागौरा छपरा के निवासी बताए जा रहे हैं। घायल अवस्था मेरे पास में आए थे, उसको चाकुओं के कई निशान थे जांघ पर, और कुछ तो इतने गहरे निशान थे, हमने उनको रिपेयर किया, कोशिश की, और उसके बाद प्राथमिक उपचार के बाद हमने उसको MVIS इंदौर के लिए रेफर किया। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट।